मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम ये चूड़ा बनाने जा रहे हैं, देखिए। ये रक्षाबंधन के मौके पर हम ये चूड़ा स्पेशल तौर पे बना रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन में हर जगह आपको मिठाइयाँ ही मिलेगी, ये नमकीन भी उसके साथ बहुत ज़रूरी है। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी है और स्वाद में भी बहुत लाजवाब है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये चूड़ा कैसे बनाते हैं, 3-4 मिनट के लिए हम ये ड्राई रोस्ट करेंगे। ये कढ़ाई में हम पोहा डाल देंगे। 4-5 मिनट के लिए हम ना धीमी आंच में सेकेंगे इसको, जब तक हमारा ये पोहा कुरकुरा नहीं हो जाता है। धीमी आंच में, एकदम स्लो, तो धीमी आंच में इसको सेकते रहेंगे 5 मिनट के लिए। ये हमारा मुंगा है, इसको भी हम बराबर मात्रा में एक कटोरा धीमी आंच में सेक लेंगे। ये एक कटोरा पोहा हमने कढ़ाई में डाल दिया है, इसको भी 5 मिनट के लिए धीमी आंच में हमको सेकना है। यहाँ हम मुरमुरा सेक रहे हैं, दूसरी साइड हम अपना पोहा भी धीमी आंच में सेक रहे हैं। ज़्यादा नहीं सेकना है इसके लिए। देखिए हमारा धीमी धीमी आंच में यहाँ हम पोहा भी सेकते जाएंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं और दूसरी चीज़ें तलेंगे। हमारा पोहा 5 मिनट के लिए हमने कर दिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा होने लगा है, ये 5 मिनट के बाद अच्छा हो जाता है, कुरकुरा टाइप से हो जाता है ये हमारे। ये देखिए इससे हमको पता चलता है कि हमारा जो मुरमुरा वो है पोहा, वो अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए रोस्ट हो गया है, ये देखिए आवाज़ आने लगी है इससे। हम इसको गैस को बंद कर देंगे, हम अपना अब दूसरे साइड अपना मुरमुरा देखेंगे। ये देखिए हमारा मुरमुरा जो है वो भी रोस्ट हो गया है, ये देखिए ये आवाज़ आ रही है। हम इसको भी गैस बंद कर देंगे, दोनों को कढ़ाई को एक किनारे रख देंगे, हम अपने दूसरी चीज़ें तलेंगे। ये मक्के के चिप्स हैं, ये कहीं किसी भी जनरल स्टोर किराने की दुकान में मिल जाएंगे आपको आसानी से। अब हम इनको तल लेंगे। हमने ये कढ़ाई गरम कर दी है, उसमें तेल डाल के गरम हो गया। हम देखते हैं एक मक्के का चिप्स, अभी देखिए हमारी ये कढ़ाई अभी नहीं हुई है, इसको हमको तेज़ आंच में करना पड़ता है, धीमी आंच में नहीं करेंगे, नहीं तो ये हमारे चिप्स ठीक नहीं सीखेंगे। देखिए जी अभी हमारी कढ़ाई में तेज़ नहीं हुई है, तो देखिए अभी इतना अच्छा नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा और गर्म होना है। हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई जितना होना चाहिए इसके लिए। देखिए ये अच्छे से गर्म होगी तो आपके ये मक्के के चिप्स बहुत अच्छे निकल आते हैं, और हम किसी बर्तन में इसको निकाल लेते हैं। आपकी धीमी आंच में रहेगी तो आपके मक्के के चिप्स छोटे छोटे से रह आएंगे, उसमें अच्छे नहीं लगेंगे। अब ऐसे हम तलते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये देखिए हमारे ये हमको फौरन निकालना है। इसी तरह से हम सारे ये मक्के के चिप्स हैं हम सारे तल लेंगे। देखिए ऐसे पूरे तलेंगे। मक्का के जो हमने चिप्स सेके हुए हैं इसमें से हम थोड़ा सा ऊपर से ऐसे हल्का हल्का नमक डाल देंगे और इनको ऊपर नीचे कर देंगे। थोड़ा सा हमको नमक डालना, आधी से भी कम चम्मच, जिसमें इसी में मक्के के चिप्स में ही ये रहे, ऊपर नीचे कर लेंगे। और थोड़ा सा डालना है, आधी चम्मच से भी कम, जिसमें ये नमक चिप्स में ही लगते रहे। देखिए ऐसे ऊपर नीचे मिला लेंगे, ठीक है, हम जब तक ये हमारी कढ़ाई गर्म हो। ये के लिए हमको चाहिए जीरा चाहिए है, सौंफ चाहिए है, लाल मिर्ची, हल्दी, करी पत्ता और ये मिर्ची है। हमको प्याज भी चाहिए है, ये हमको प्याज, ये हम इसको गर्म हो जाता है हमारा। हमको एक थोड़ा बड़ा प्याज चाहिए है, ये देखिए
और आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, प्याज ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपको अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा डालें या नहीं लगती तो प्याज नहीं भी डाल सकते हैं, वो अलग करना पड़ेगा। ये मिर्ची हमारी छोटा एक चम्मच है और ये हमारी दो चम्मच है सौंफ, और ये एक बड़ी चम्मच हल्दी है और छोटा चम्मच लाल मिर्च है क्योंकि हम हरी मिर्ची डाल रहे हैं, और ये हमारे स्वाद के अनुसार जितना भी आप डालना चाहें करी पत्ता डाल सकते हैं। अब हम इसमें जीरा, ये हम जीरा डाल देते हैं, देखिए अच्छे से गर्म हो जाती है तो हमारे ये जीरा चटचटाने लगते हैं। अब हम ये सौंफ डाल देते हैं और इसी के साथ हम हरी मिर्ची डाल देते हैं, ये हम प्याज डाल देते हैं, और ये हम कड़ी पत्ता डाल देते हैं। ये प्याज को हम गोल्डन ब्राउन सेकेंगे, तेज आंच में नहीं सेकेंगे क्योंकि तेज आंच में हम सेकेंगे तो ये हमारी प्याज जल जाएगी, और उसका जो प्याज जल जाएगी तो फिर उसका टेस्ट जो रहेगा वो जला हुआ आएगा तो उसमें स्वाद बिगड़ जाएगा, तो हमको धीमी आंच में सेकना है गोल्डन ब्राउन होने के लिए, मीडियम आंच पे हमको तलना है। ये प्याज को हमको पूरा गोल्डन ब्राउन करना पड़ेगा, अगर हमारी कच्ची प्याज रहेगी तो इसमें फफूंद टाइप की लग जाएगी तो जो हमको अच्छी नहीं लगेगी, स्वाद बिगड़ जाएगा, हमारा चूड़ा पूरा ख़राब हो जाएगा, इसको हम इसलिए धीमी आंच पे हमको पूरा सेकना है, गोल्डन हो जाएगी। अभी हमारी देखो प्याज गोल्डन नहीं हुई है, हमको और सेकना है। ये देखिए हमारी प्याज पूरी गोल्डन हो गई है, अब हम इसमें मसाला डाल देते हैं। ये है मिर्ची है और हल्दी हम पूरा डाल देंगे और नमक डाल देते हैं इसी के साथ, हम एक चम्मच नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। ये देखिए पूरा भरा हुआ चम्मच है, नमक डाल दिए हैं। अब इसके बाद हम ये अब हम ये पोहा डाल देंगे जो हमने तल लिया था, और फिर हम इसको धीमी आंच में मिलाएंगे अच्छे से, फिर इसके साथ हम मुरमुरा भी डाल रहे हैं, हम मुरमुरा भी डालना है इसको। ये देखिए मुरमुरा भी, ये हम अब इसको मिक्स करेंगे, फिर बाद में हम ये सब मिला लें, फिर उसके बाद हमको मूंगफली है जो भी सामान अभी हमको मिलाना है वो मिलाएंगे। अब ये हल्दी है ये सब मिक्स हो जाए इसमें से, हमको धीमी आंच में मिक्स करना है इसको, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा मिलाने में। इस चूड़े को हम जो बना रहे हैं ये मार्केट के जैसे ही, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं वैसा ही लगेगा, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमको मालूम है कि हमने क्या डाला है इसमें सामान, क्योंकि हमको बाहर का भी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना है तो हम बाहर का सामान नहीं खाएंगे। तो ये देखिए आपको पता है कि क्या क्या इसमें सामान डाल रहे हैं, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, चिप्स भी डाल सकते हैं, खींचले भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो सब डाल सकते हैं इसमें, हमको ये मालूम है कि क्या डालना है इसमें। बंद कर दें, ये हमारा रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए विशेष प्रकार से हमने ये बनाया है स्पेशल तौर से, कि रक्षाबंधन में सब लोग मीठा खाते हैं, मीठा के साथ ये नमकीन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब हम इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाएंगे, ये हम सेव मिला देते हैं, और ये हमारी मूँगफली है, ये हमने मक्के के चिप्स जो सेके हुए थे हम वो मिला देते हैं, ये हमने मार्केट के ये चने हैं चने भी डालते हैं। ये आपके पास चने नहीं हुए तो ज़रूरी नहीं है कि आप चने डालें, बाकी आप जिसको जो मर्जी हो वो डाल सकते हैं। ये हम मिक्स कर देते हैं, ये
ये देखिए हमने अपना चूड़ा बना के तैयार कर लिया, देखिए डिब्बे में रख लिया है और ये हमने प्लेट में सर्व कर लिया है। यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।